हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश जसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस वे। आज का ये जो सेशन है, आज का ये जो लेक्चर है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, और बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि आज का ये जो सेशन है, आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को भी हम लोग 5 सेकेंड के अंदर में आंसर निकाल सकते हैं। दैट मीन्स आज हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं, या आपके सामने बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स के बारे में आज से शेयर करेंगे वन बाय वन करके, कि जिससे क्या होगा, आप लोगों का इंटीग्रेशन पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो पूरा का पूरा ही बदल जाएगा। दैट मीन्स आप लोग आंसर्स को बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली मैच करा पाएंगे आपके क्वेश्चन से, कि किस तरह से करके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, कि किस तरह से करके हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर विद इन 5 सेकेंड में हम आपके सामने कैसे लिख देंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर, और आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है और बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइप वन के बारे में ही बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक के टर्म में है नीचे में, तो इस क्वाड्रेटिक के टर्म में रहने से क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके विद इन 5 सेकेंड के अंदर में हम इसका आंसर लिख देंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास 1/4 इंटू टैन इनवर्स 2x प्लस 1/2 प्लस सी। डन, ये हो गया हमारे पास आंसर इसका। देखिए, विद इन 5 सेकेंड में आंसर लिख दिए। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया, आप लोग टेंशन में आ गए कि फिर इसको हम 5 सेकेंड में आंसर कैसे लिख दिए, या आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि हम आंसर याद करके रखे हुए या आंसर को हम लिख दिए। नहीं नहीं फ्रेंड्स, इसके पीछे एक ट्रिक है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने लिखा है इंटीग्रेशन सिंपल ट्रिक, तो आज हम आप लोग को बताते हैं कि एक ट्रिक बेस पे कैसे करके इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकालेंगे। तो इस ट्रिक बेस पे जाने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे क्वाड्रेटिक के ऊपर, कि क्वाड्रेटिक क्या है हमारे पास। तो देखिए, हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक है, इससे क्वाड्रेटिक का क्या होना चाहिए, क्या चीज़ कंसिडर करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक टर्म है, इस ट्रिक के लिए, पहले टाइप के ट्रिक के लिए, ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होना चाहिए, इस वैल्यू के ग्रेटर होना चाहिए। दैट मीन्स 4ac - b² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ दिस ट्रिक। ये इस ट्रिक का गोल्डन रूल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंगली इसे हम लोग बनाएंगे। अब इसका रूल्स क्या है, फॉर्मूला क्या है, देखिए रूल्स क्या होता है, आप लोग रूल्स पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। जब भी हमारे पास इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है, दैट मीन्स dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी, तो हम लोग इसके लिए एक रूल्स बनाए, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाए, जिस ट्रिक के अकॉर्डिंगली हम इसका आंसर बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल वे में 5 सेकेंड के अंदर में निकाल लिए। तो देखिए, वो ट्रिक क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, 2 / रूट ओवर ऑफ 4ac - b². ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स, ये जब ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये लेस देन होता है तो वो हमारा ट्रिक नंबर 2 है, जो कि हम अगले वीडियो में आप लोग से डिस्कस करेंगे। टैन इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 4ac - b² प्लस सी इज आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, आप लोग जानते हैं ये। तो ये हो गया हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। अब आइए हम दिखाते हैं कि किस तरह से करके इससे हम आंसर को मैच किए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि आंसर कैसे टैली कर रहा है इसके अकॉर्डिंगली। तो देखिए, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग कंपेयर करें इस क्वाड्रेटिक टर्म से, तो हमारे पास a = 4, b = 4 और c = हमारे पास 5 है। दैट मीन्स सबसे पहले तो हमें लेफ्ट, ठीक है, चेक करना है कि ये ग्रेटर हो रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे साइड में लोग चेक कर लेते हैं, 4ac - b² इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास 4 × 4 × 5 - b², दैट मीन्स 16 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स 4 × 4 = 16, 5 = 80, 80 में से 16 निकाल देंगे तो 64, और वी ऑल नो दैट 64 इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो हमारा वेरीफाई कर गया, ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग आते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जैसे ही ये प्रूव होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम लोग डेटा को सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो नाउ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 / √64, क्योंकि
इसका वैल्यू हम आप लोग के पास 64 निकाले हैं, तो यानी कि रूट ओवर ऑफ 64 इंटू टैन इनवर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट मीन्स हमें डिफरेंशिएशन करना है 4x² + 4x + 5 का। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं 4x² + 4x + 5 का। तो हमारे पास 4x² का डिफरेंशिएशन होगा 8x और प्लस 4x का डिफरेंशिएशन होगा 4 और 5 इज अ कांस्टेंट यानी 0 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ अगेन 64 प्लस सी 2 डिवाइडेड बाई 8, 64 का रूट निकलता है और इंटू टैन इनवर्स। देखिए यहां से 4 कॉमन ले लीजिए तो आ रहा है हमारे पास 2x + 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी, दैट मीन्स हमारे पास हो गया 1/4 टैन इनवर्स 2x + 1/2 प्लस सी, 4 से काट दिए इसको 2 टाइम्स में, तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। आप लोग बुक से इस तरह के क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा, आप लोग जितने भी इस तरह का क्वेश्चन है उसे इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से निकाल के आप लोग उसका आंसर्स को एग्जाम्स में चेक कर सकते हैं कि कैसे होगा। तो आइए एक दो क्वेश्चंस के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि इसका एक दो क्वेश्चंस को और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं हम आप लोगों को। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास dx/3x² + 2x + 4। तो इसे भी हम कैसे करके देखिए कितने जल्दी से आंसर लिख देते हैं इसका हम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2/√44 टैन इनवर्स 6x + 2/√44 + c, ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट। तो 44 रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये ऐसे ही आंसर छोड़ देते हैं इसको हम लोग। तो ये हुआ दूसरे क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से करके आया। अभी भी जब मैंने आप लोग को फॉर्म बताया था तो फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से था। सबसे पहले तो हमें इसे चेक करना है कि 4ac - b² इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3 इज अ ए, 2 इज अ बी एंड सी इज अ 4 आ रहा है हमारे पास। दैट मीन्स अगर हम लोग इसमें रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4 × 3 × 4 - 2² = 0, यानी कि हमारे पास फाइनली आया 4 × 3 = 12 - 4 = 48 - 4 = 0, दैट मीन्स 44 = 0। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब हमें बात करना है इसके ऊपर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म लिखेंगे। तो फॉर्म हमने आपको बताया था अभी अभी कि इसका फॉर्म होता है 2/√4ac - b² × tan inverse (√3x²) - 3x² + 2x + 4/√4ac - b² + c। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, आंसर मिल गया हमारे पास 2/√44 × tan inverse (√3x²) दैट मीन 6x + 2/√44 + c इज द फाइनल आंसर। दिस इज द मैजिक। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा इजी इसलिए है क्योंकि इससे हम आंसर आसानी से टैली कर लेंगे। और हमारे पास ये IIT JEE के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से आंसर निकालने का एक ट्रिक पता चल गया, एक ट्रिक पता है, तो वो लोग बहुत ही जल्दी आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं जिससे उन लोग का टाइम सेव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज dx/2x² + 8x + 9। तो हम इसका आंसर लिखेंगे उसी तरह के फॉर्म में, डायरेक्ट कर देते हैं इसको। देखिए 2/√4ac - b² × tan inverse (√2x² + 8x + 9) / √4ac - b² + c। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास हो रहा है कि नहीं। 4ac - b² = 0, दैट मीन्स हमारे पास
फोर इंटू टू इंटू नाइन माइनस एट का स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, यानी हमारे पास फाइनली आ रहा है फोर टू ज़ा एट, नाइन ज़ा 72 और फिर माइनस 64 इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि 72 यानी 8 आएगा हमारे पास जीरो। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि ये ग्रेटर देन है। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 अपॉन रूट ओवर ऑफ 8 इंटू टैन इनवर्स, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा हमारे पास 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 8 प्लस सी। दैट मीन्स हमारे पास इसका आंसर आएगा 1 बाई रूट 2 इंटू टैन इनवर्स 2x प्लस 4 बाई रूट 2 प्लस सी इज द फाइनल आंसर। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे ट्रिक के बारे में, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट को मिस मत करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि 4ac माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन जीरो होने से क्या होगा। और फिर उसके बाद भी हम और भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम और भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स के बारे में आप लोगों के सामने वीडियो लाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।